हेलो गाइस, तो वापस स्वागत करता हूँ मैं आपका नए ब्लॉग में। और मैं जा रहा हूँ लारामपुर कटारा, अलीगंज से लारामपुर कटारा। ये सराय रोड शुरू हो गया और ये दयाल गार्डन, ये हमारे साथ है अभी अभी। ये मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, ये पैदल भाई है, मेरे भाई है ये, और हम जा रहे हैं तीनों लोग। और एक का इंतज़ार करना है, वो भी आ जाए, फिर हम जाते हैं, चलाते हैं आगे चल के। नज़ारे एकदम बढ़िया बढ़िया। वाले पीछे जा रहे, ये गाइस जिसके अंदर उपले हैं, जिसको हमारे एरिया में कंडे बोलते हैं, लेकिन ये उपले, इसके अंदर उपले जमा है। और ये कि जब सर्दी आएगी तो उसमें ये निकाले जाएंगे, उसके बाद जलाए जाएंगे। इसके अंदर उपले हैं, इसको जमा करने के स्टोर कर रहे हैं, उपलों को स्टोर करने के। सारे ऐसा ही बना होता है, ये बहुत सारे हैं, ये उपलों को स्टोर करते हैं। और चीज़ भी दिखाऊँगा मैं नई नई एकदम गाँव की, बड़े बड़े की। और ये गांव के नाम से ये फेमस है पिछड़ा भट्टा। वही आगे जो है मार्केट आ रहा है, क्या सा मार्केट है यहाँ पर, बहुत पानी पीने का सामान खाने जाते हैं, ऐसा मिल जाएगा छोटा मोटा पानी जैसे रास्ते समझ के लिए अच्छी जगह है। आप जरूर खा लो, फिर भेज रखो, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है रुकने का। वापस भी आते हैं तो छोटा सा बाजार है। वाले खत्म हो गया, देखते हैं फिर रुकते हैं। है नहीं है? अरे यार पिछली बार भी यहाँ पे नहीं मिला था और इस बार भी नहीं मिला यार, फ्यूल नहीं है। फिर चलो रायगत में मिलेगा, वहाँ तक खत्म हो गया, धक्का मारना पड़ेगा। अरे बंद हो गई। फ्यूल तो भरवा लिया है, अब ये निकाल के लिखा था। बाइक फंस गई है, बहुत सारी बाइक लगी थी बहुत सारी, इसीलिए फंस गई है वो।
तो ये अब तक निकाल के लेकर आता है, मैं इधर बाहर आ जाता हूँ। ये HP HP पेट्रोल पंप है। HP पेट्रोल गाइस, मैंने ये कट सारा कैसे कट ले लिया है। ये जाएगा सीधा लारमपुर कटारा। ये लारमपुर कटारा सामने सरायगढ़ के लिए वही सरायगढ़ का थाना है। थाना नया पीछे रह गया, पता नहीं कहाँ रह गए। जो साथ में चल रहे थे वो पता ही नहीं चला उनका कहाँ रह गया। तो ये रुक गया उनका इंतज़ार करने के लिए। देखते हैं, वेट करते हैं कितनी देर में आते हैं। कॉल कर लेना मेरे मैंने से। गाइस हम पेट्रोल लगवाते रह गए। आगे निकल गया, कॉल किया था अभी मुझे आती है। आप बस कॉलेज भी आने वाला है, थोड़ा ही दूर रह गया कॉलेज से। दिखाता हूँ कॉलेज से, दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस ये दो और लड़के आ गए हैं, ये मेरे फ्रेंड है। और इधर देख ले, इसका नाम भी अभिषेक है, ये अभिषेक यादव है। और ओ आत्मा ब्लॉग, और ये काजल। नहीं, हम प्यार से काजल कहते हैं। नाम इसका श्याम है, श्याम सुंदर नाम है लेकिन प्यार से काजल कहते हैं। कॉलेज में फेमस है काजल, लड़कियां तक इससे काजल बोलती हैं। ओए ब्लॉग दे। ये राम भरोसे इंटर कॉलेज, ये रोड कटिया पेपर के बाद फिर चलते हैं सरायगढ़। तो गाइस मेरा पेपर तो हो गया, बड़ा टफ पेपर था, बहुत ही कठिन था। और ये तमाम पेपर अब चलते हैं हम, कहाँ जा रहा है सरायगढ़। और यशन भाई ये हमारे भाई है, फिर मिलते हैं सरायगढ़। लेने गया है समोसे गुजिया जो कुछ लेके आता है वो खा। ये ले गया है, टेस्ट करके बताऊँगा कैसा है। वैसे टेस्ट को अच्छा है, बताता हूँ आज को कैसा। तो भाई समोसे आ गए, ये लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह। और समोसे आ चुके हैं, एटा वाले से 100 गुना अच्छा है। एटा में तो वो खपोनी थी, 100 गुना अच्छा है, 100 गुना सरायगढ़ का। तो गाइस समोसे तो काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी भी बढ़िया एकदम। और ये अब आ गई है गुजिया, क्या है यो गुजिया। और ये बाबू आ गया छोटा सा।
गुजिया काफ़ी अच्छी है, समोसे से भी अच्छी गुजिया और समोसे तो बहुत ही अच्छे थे। नहीं समोसे अच्छे थे, गुजिया बहुत अच्छी है। तो गाइस 10 के 2 समोसे और 15 की 1 गुजिया काफ़ी अच्छा था, और समोसे से ज़्यादा अच्छी गुजिया थी, गुजिया से कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। तो अब भुजिया और समोसे दोनों का पेमेंट हो गया है, अब हम निकलते हैं अलीगढ़ के लिए वापस। हेलो गाइस, सरायगढ़ से हम जा रहे हैं वापस अलीगढ़। अब आप अलीगढ़ में, यार रास्ता तो तुमने देखा ही है, सबने सब लोगों ने रास्ता देख रखा है, रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, बस ये बताऊंगा अलीगढ़ पहुँच गया है, पहुँचा। लेकिन अगर मैं कहीं रुक रहा हूँ तो वहाँ का दिखाऊंगा। ओके चलते हैं फिर अलीगढ़। जंगली गाय होती है ना, वो नील गाय बोलते हैं, वो साफ से नील गाय, बहुत सारा झुंड है उसका नील गाय का। तो हेलो गाइस, मैं रुक चुका हूँ बिस्रा, ये है बिस्रा। और नल 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 नल, ये नल है, इसमें बहुत ठंडा पानी है, एकदम शुद्ध पानी। पैदा नहीं ले, इससे पानी पी। कितना ठंडा पानी है, कितना ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है इस नल का। तो गाइस अब से एक मम्मी का कॉल आ गया, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा। वो बोल रही थी जल्दी घर पे आ, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं सकता, वो आ रहा है पीछे, फिर मैं बैठ के फिर चलता।